السلام عليكم वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास तो बच्चों यहां पर हम ये छठी जमात का जोग्राफिया का सबक नंबर दो आइए बल्दी खतूत इस्तेमाल करें का इसका सभी सवाल जवाब आज हल हम करेंगे इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें छठी सातवीं आठवीं नवी और दसवीं के उर्दू इंग्लिश जोग्राफिया तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है ग्यारहवीं जमात का भी मैंने एम सॉल्विंग बायोलॉजी के देना शुरू की हूँ नीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इससे जरूर इस्तीफादा करें क्लास का नाम है एक्सलेंट क्लासेस पढ़ाई करो यार तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जोग्राफिया का सबक नंबर दो आइए बल्दी खतूत इस्तेमाल करें यहां पर देखिए दरसी किताब के सवालों में अलीफ बे जीम दाल हे और वाओ यहां देखिए छह सवाल दिए हुए हैं लेकिन हम इस सबक के मुताबिक आपको छोटे छोटे एक्स्ट्रा मालूम से भी समझाएंगे चलिए शुरू करते हैं यहाँ सवाल है अलीफ का कि सही मुदबादल के सामने के चौकोन में सही का निशान लगाइए तो सवाल है कि छठ दर्जे तीस मिनट शुमाली अर्जुल बलद यानी यहाँ पे है खते आर्टिक आर्किटिक देखिए ये जवाब है दूसरा है सवाल कौन सा अर्जुल बल्द जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो यहाँ पर है खते सर खते अस्तवा यहाँ पर देखिए खत का जवाब दे दिया गया है मैंने तीसरा है सवाल खत आर्किटिक का कुतुब शुमाली से जाविया फासला कितना है तो यहाँ पर है तेवीस तेवीस दर्जे तीस मिनट चौथा है यहाँ पे सवाल के सिफर दायर दर्जे बुनियादी तुलुल बलद और खत किस मुकाम पर एक दूसरे को खत्या करते हैं यहाँ बहरे अवकियानुस पांचवा है सवाल किस अर्जुल बलद तक सूरज की किरणें उमोदी पड़ती हैं तो यहाँ है खतः सरतान और खतह जिद्दी छठा है सवाल जुनूबी का अर्जुल होता है तो यहाँ पे है नब्बे दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद ये जवाब सही है सातवां सवाल है मुल्क वन सिटी का रकबा कितने मुबा किलोमीटर है तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मालूम में सवाल है तो सिफर दर्जे चवालिस मुबा किलोमीटर सिफर चौवालीस किलोमीटर अब यहाँ पे बेका हमारा सवाल है कि यहाँ पे दर्ज बयाना जांच कर गलत बयान दुरुस्त करके करिए और उसे दोबारा लिखिए पहला सवाल है कि किसी मुकाम का तय करने के लिए सिर्फ तुलुल तुलत की निशानदेही काफी होती है तो जवाब है गलत किसी मुकाम का तय करने के लिए बलद और अर्जुल बलद दोनों खतूत की निशानदेही करना पड़ती है दूसरा सवाल है किसी इलाके की वसत बताने के लिए करीबी इलाके के दरमियान से गुजरने वाले अर्जुल बलद बलद को जहन में रखना होता है जवाब है गलत किसी इलाके की वसत बताने के लिए उसी इलाके के इंतहाई सिरों के अर्जुल बलद और तुलबलत को जहन में रखना होता है तीसरा सवाल है कि सिर्फ नक्शे के जरिए किसी रास्ते का महलवक् बता सकते हैं तो जवाब है गलत नक्शे की तरह जगराफियाई मालूम का तरीका जोग्राफियाई महलवक् के तय का तरीका वगैरह के जरिए भी किसी रास्ते का मुकाम की निशानदेही की जा सकती है अगला सवाल चौथा है कि सिफर दर्जे मशरक़ी तुलुल बलद और 180 दर्जे मशरकी तो ये जवाब गलत है सिफर दर्जे बलद और एक सौ अस्सी बलद ही होता है यहाँ पर सवाल अगला है पांचवा सॉरी किसी रास्ते या दरिया की वसत मुंबई की अरजुल बलद से लेकर आखिरी मुकाम के तुलुल बलद तक बयान की जाती है तो जवाब है गलत किसी रास्ते या दरिया के बहाव की वसत मुंबई के अर्जुल बलद और तुल से लेकर आखिरी मुकाम के अर्जुल और तुल के दरमियानी फासले के जरिए बयान की जाती है छठा सवाल है हमारा आठ दर्जे चार मिनट शुमाली अर्जुल से सैतीस दर्जे छसठ मिनट शुमाली अर्जुल बलद ये सही तयने मुकाम है तो जवाब है गलत आठ दर्जे चार मिनट शुमाली अर्जुल से सैतीस दर्जे छियालीस मिनट शुमाली अर्जुल बलदी सही तही मुकाम की बजाय सही अर्जुल बलदी वसत है अब यहां का हम सवाल देखेंगे कि नक्शों की किताब यानी एटलस में दुनिया और भारत का नक्शा देखिए इनमें दर्जी जेल शहरों को तलाश कीजिए और उनके अर्जुल बलद और तुलुल बलद भी निशानदेही कीजिए तो पहला शहर यहाँ मैं जवाब ही डायरेक्ट दे दे रही हूं आपको पहला जो दिखा रहा है वो मुंबई है ये है एक ये उन्नीस दर्ज शुमाली अर्जुल बलद और तिहत्तर दर्जे मशरकी बलद है मुंबई का और दूसरा है गुवाहाटी ये भी हिंदुस्तान का ही है छब्बीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और इक्यानवे दर्जे मशरकी तुलुल बलद है यहाँ पर श्रीनगर यानि कश्मीर के तरफ हमारे बात हो रही है चौतीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और पचहत्तर दर्जे मशरकी तुलुल बलद है यहाँ पर भोपाल ये भी हमारे हिंदिया इंडिया की बात हो रही है तेईस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और सतहत्तर दर्जे मशरकी तुल बलद चेन्नई में यानी मद्रास साइड तेरह दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और अस्सी दर्जे मशरक़ी बलद अब ओटावा ये पैतालीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और छिहत्तर मगरबी दर्ज, वो दर्जे मगरबी बलद है और सातवा है टोक्यो टोक्यो में छत्तीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और एक सौ चालीस दर्जे मशरक़ी है जोहान्सबर्ग में यहाँ पे देखेंगे आठवां पे यहाँ पर है कि 26 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद और अट्ठाईस दर्जे मशरक़ी बलद है नवा पे है न्यूयॉर्क। ये 41 दर्ज शुमाली अर्जुल बलद है और चौहत्तर दर्जे मगरबी तुलुल बलद है इसमें लंदन में है दसवें नंबर पर बावन दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और सिफर दर्जे आठ मगरबी सिफर दर्जे आठ मिनट मगरबी तलुल बलद है अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूम में मैं सवाल दे रही हूँ बच्चों जो ये दरसी किताब में नहीं है लेकिन मैं आपकी मालूम के लिए इसे दे रही हूँ इसे जरूर नोट रख करिए तो यहाँ पे कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए तो पहला सवाल है जमीन का महूर कितने दर्जे पर झुका हुआ है तो जवाब है कि जमीन का महूर तेईस दर्जे तीस मिनट पर झुका हुआ है अब यहाँ पे दूसरा सवाल है तेईस दर्जे तीस मिनट शुमाली अर्जुल बलत को क्या कहते हैं तो जवाब है तेवीस मिनट तीस तेईस दर्जे तीस मिनट शुमाली अर्जुल बलत को खत सरतान कहते हैं तीसरा है सवाल तेईस दर्जे तीस मिनट जुनूबी अर्जुल बलत को क्या कहते हैं तो जवाब है तेईस दर्जे तीस मिनट जुनूबी अर्जुल बलत को खते जिद्दी कहते हैं चौथा सवाल है छसठ दर्जे तीस मिनट जुनूबी अर्जुल बलत को क्या कहते हैं तो जवाब है कि छसठ दर्जे तीस मिनट जुनूबी अर्जुल बलत को जुनूबी खुदबी दायरा या खत इंटरटिक कहते हैं अब बच्चों यहां पर देखो ये जो है निशान है ये है दर्जा बता रहा है और ये निशान जो है ये मिनट का निशान है अगर इस निशान की जगह पे दो एक साथ आ जाए ऐसे तो उसे सेकंड कहते हैं ठीक है याद रखिएगा ये यहाँ पे हम निशानों के जरिए ही बात कर रहे हैं इसी को समझना है अब अगला सवाल है पांचवा कि किन अर्जुल बलदों के दरमियान के तमाम मुकाम पर सूरज की किरणें दोबारा उमूदन पड़ती हैं तो जवाब है कि खत अस्तवा से तेवीस दर्जे तीस मिनट शुमाली खत सरतान और तेवीस दर्जे तीस मिनट ज़ुनूबी खत जिद्दी और दो अर्जुल बलदों के दरमियान के तमाम मुकाम पर सूरज की किरणें साल भर में दोबारा उमूदन पड़ती हैं छठा सवाल है कि कौन सा तुलुल बलद ग्रीनेज तुलुल बलद के नाम से जाना जाता है तो जवाब है कि सिफर दर्जे तुलुल बलद जो बुनियादी तुलुल बलद है ग्रीनेज तुलुल बलद के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर सातवां सवाल है कि आलमी मोयारी वक्त का तय करने के लिए किस तुलुल बलद की मदद लेते हैं तो जवाब है यहाँ पे कि आलमी मोयारी वक्त का तय करने के लिए यहाँ पे सिफर दर्जे तुलुल बल्द इस बुनियादी तुलुल बल्द यानी ग्रेनिस तुलुल बलत की मदद लेते हैं आठवां सवाल है कि किस तुलुल तुलत की मदद से आलमी खत तारीख तय की जाती है तो जवाब है कि 180 दर्जे तुलुल बलत की मदद से आलमी खत तारीख तय की जाती है नवा है सवाल दुनिया के सबसे छोटा मुल्क कौन सा है तो जवाब है दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेंटन सिटी है ये वाला अब यहां पर एक्स्ट्रा मालूम में भी मैं दूसरा भी सवाल दे रही हूं यहां पर कि दर्जे जेल सवालों के जवाब लिखिए पहला सवाल है कि सूरज की किरणों के अरसे यानी वक्फा और सूरज की किरणों की गर्मी की शिद्दत में फर्क की वजह से होने वाले की लिखिए तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि सूरज की किरणों के अरसे और सूरज की किरणों की गर्मी की शिद्दत में फर्क की वजह से जमीन पर हरारत की मुख्तलि पट्टे तैयार होते हैं हरारत के पट्टों के लिहाज से हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं दूसरा पॉइंट है सूरज की किरणों की अरसे और सूरज की किरणों की गर्मी की शिद्दत में फर्क वजह से जमीन पर मुख्तलिफ इलाकों में नबाताती और दौलत में तनु यानी इख्तलाफ दिखाई देता है अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमत पे सवाल दूसरा सवालों के जवाब देना है हमें इसका भी तो ग्रीनिश बलत की मालूम लिखिए तो जवाब यहाँ के सिफर दर्जे बलत बुनियादी बलत है जिसे ग्रीनिश बलत भी कहते हैं दूसरा है, है पॉइंट आलमी मियाारी वक्त का तय करना मुख्तलि ममालिक मुकामी वक्त में रफ्त रखना ग्रीनिश तुलबलत का अहम काम है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूम में सवाल तीसरा छहसठ दर्जे तीस मिनट शुमाली और जुनूबी तुलबलद नब्बे दर्ज शुमाली और जुनूबी कुतबैन के दरमिया इलाकों के दिन और रात के बारे में मालूम लिखिए तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि छह सठ दर्जे तीस मिनट शुमाली और जुनूबी तुलबलद से नब्बे दर्ज शुमाली और जुनूबी कुतबैन के दरमियानी इलाके का एक दिन यानी दिन और रात मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे से ज्यादा का हो सकता है दूसरा पॉइंट है कि दिन या रात का वक्त यानी अरसा किसी एक कुतब, कुतब पर ज्यादा से ज्यादा छह महीने का होता है तीसरा पॉइंट है कि यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज उपक के मुतवाजी दिखाई देता है अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में सवाल चौथा है कि दर्जे जेल तुल के सामने के तुल बलद कौन से हैं? तो यहाँ नब्बे दर्जे मशरकी तुलबलत एक सौ सत्तर दर्जे मगरबी बलत और तीस दर्जे मशरकी तुलबलत और बीस दर्जे मगरबी तुलुल बलत तो ये आइए गौर करे दरसी किताब का सिफर नंबर तेरह पे तो तेरह पर देखिए ये सवाल आता हैं जिसे मैं यहाँ पर आपको जवाब के तौर पर दे रही हूँ तो जवाब है यहाँ पर पहला पॉइंट नब्बे दर्जे मशरकी तुलुल बलत के सामने का तुलुल बलत नब्बे दर्जे मगरबी तुलद होता है दूसरा है यहाँ पर सवाल एक सौ सत्तर दर्जे मग़रबी तुलत के सामने का तुलुल बलत तो ये दस दर्जे मशरकी तुलद होता है तीसरा है तीस दर्जे मशरकी तुल बलत के सामने का तुलुल बलत एक सौ पचास मगरबी तुलुल बलद होता है और चौथा है कि बीस दर्जे मगरबी तुलुल बलत के सामने का तुलत एक सौ साठ मशर की तुल होता है अब एक्स्ट्रा मालूम पांचवा सवाल है कि एक दूसरे के सामने वाले तुलुल तुलत से आप क्या समझते हैं तो आइए गौर करिए और दर्सी किताब का शिफा नंबर तेरह से ये सवाल लिया गया है तो जिसका जवाब का पहला पॉइंट है कि एक दूसरे के सामने वाले तुलुल बलत से ये समझ में आता है कि कोई भी आमने सामने आने वाले तुलुल बलतों की दर्जाती कीमत की जमा 180 सौ दर्जा होती है दूसरा पॉइंट है कि इस पर से ये समझ में आता है कि एक दूसरे के सामने वाले तुलुल बुलंदों की वजह से यानी तुलुल तुलंदों की मिलने से बड़ा दायरा तैयार खत तैयार होता है बड़ा दायरवी खत तैयार होता है अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल दाल है कि दर्जे जेल मुकामात की वसत या नक्शा या ग्लोब की मदद से लिखिए यानी जवाब हमें ग्लोब की मदद से देना है अब आप इसके लिए मोबाइल या इंटरनेट इस्तेमाल करके अपने जवाब लीजिए तो पहला है कि महाराष्ट्र रियासत के बारे में दूसरा है चिली मुल्क तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई ब्रजम चौथा श्रीलंका जजीरा पांचवा रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन अब शुरू कहाँ से करना है इब्तदा कहा से है सेंट पीटर्सबर्ग और तिस... एक खत्म कहा होगा इंतहा यानी वैलिडिटी वो स्टार्ट तो ये हम जवाब यहाँ पर देंगे आपको जवाब का पहला है कि महाराष्ट्र दर्जे तीन मिनट शुमाली अर्जुल बलत से बाविस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और बहत्तर दर्जे मशरकी तुलबल से इक्यासी दर्जे मशरकी तुलद दूसरा है चिली मुल्क सोलह दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद से छपन जुनूबी अर्जुल बलद और सत्तर दर्जे चालीस मिनट मगरबी बलद से सत्तर दर्जे मगरबी बलद तीसरा है ऑस्ट्रेलिया बर आजम यहाँ पे दस दर्जे इकतालीस मिनट जनूबी अर्जुल बलद से तिरासी तिरालीस दर्जे अड़तीस मिनट जुनूबी अर्जुल बलद और यहाँ पे है एक सौ तेरह दर्जे सिफर नौ मिनट मशरकी मशरकी तुलद से एक सौ तिरपन दर्जे अड़तीस मिनट मशरकी तुलद चौथा है यहाँ पे श्रीलंका यानी जजीरा छे अड़तालीस मिनट शुमाली अर्जुल बलत से नौ दर्जे पचास मिनट शुमाली अर्जुल बलद और उनासी दर्जे चालीस मिनट मशरकी तुलद से इक्यासी दर्जा पैतालीस मिनट मशरकी तुलुल बलत पांचवा है रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इसका इब्तदा सेंट पीटर्सबर्ग बर्ग होगा होगा वेलिडिटी तो यहाँ पर उनसठ उन दर्जे शुमाली अर्जुल बलत से तिरालीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और तीस दर्जे मशरकी तुलबलद से एक सौ बत्तीस दर्ज मशरकी तुल बलद है अब सवाल देखो एक्स्ट्रा मालूम में मैं यहाँ सवाल दे रही हूं ये दरसी किताब की शक्ल दो आशारिया दो यानी यहाँ जो दी हुई है देखिए दो आशारिया दो की शक्ल है ये का मुशाहिदा कीजिए और दरसी किताब का सिफा नंबर दस पर ग्लोब से दोस्ती उन्वान के तहत से दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए तो पहला है ग्लोब ग्लोब की उफकी खतूत को क्या कहते हैं पहला है ग्लोब की उफकी खतूत को क्या कहते हैं तो जवाब है कि ग्लोब की उफकी खतूत को अर्जुल बलत कहते हैं दूसरा है ग्लोब के खड़े खतूत को क्या कहते हैं जवाब ग्लोब के खड़े खतूत को तुलुल बलत कहते हैं यहां पे देख रहे हैं आप ये जितनी खड़ी लाइन है ये तुलुल है और जितनी ये आड़ी लाइने जा रही है ये अर्जुल है और यहाँ पे तीसरा सवाल है कि खत अस्तवा किन बरअजम हो बर से गुजरता है तो यहाँ पर हम पहले तस्वीर में देख लेंगे तो यहाँ खत अस्तफा की बात हो रही है तो खत अस्तफा क्या होता है जो ये ग्लोब में सबसे बीचों बीच की आड़ी लाइन होती है ये वाली जिसे मैं लेके जा रही हूँ ये वाली लाइन को कहते हैं खत अस्तवा तो इस पे से जो गुजर रहा है वो पूछा जा रहा है कि बहर आजम और बर आजम से कौन कौन गुजर रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे जुनूबी अमरीका देखिए इसमें से गुजर रहा है दूसरा अफ्रीका इस पे से ही गुजर रहा है ये अफ्रीका है पूरा और ये हमारी खत अस्तवा की लाइन यही से गुजर रही है उसके साथ बहरुल काहिल देखिए ये यह है यहाँ भी है ये यह सब यहाँ से गुजर रहा है जवाब में भी हम यही देखेंगे कि खत अस्तवा से जुनूबी अमेरिका और अफ्रीका देखें जुनूबी अमेरिका और ये अफ्रीका जैसे आजम और बहरुल काहिल ये और ये वाला दोनों सब गुजर रहे हैं अगला है इसी को इसी ग्लोब को देखते हुए जवाब चौथा सवाल है कि कौन से बहर आजम चारों नस्फ कुर्रों में फैले हुए तो जवाब है कि बहरुल काहिल और बहरे ओके चारों निसफ कुर्रो में फैले हुए देखो बहरे ओकेानूस ये है ये सब तरफ फैला हुआ है आपको दिख रहा है यह रंग से आप पहचाने और बहरुल काहिल जो है वो ये वाला है यहां भी है ये देखिए इस तरह से ये चारों तरफ फैला हुआ है पांचवा सवाल है कौन कौन से आज़म चारों कुर्रो में फैले हुए हैं तो जवाब है कि कोई भी चारों निस्व कुर्रो में फैला नहीं है छठा सवाल है कि तमाम तुलुल बलत कौन से दो अर्जुल बलत पर आकर मिलते हैं तो जवाब है कि तमाम बलत शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब के दो अर्जुल बलत पर आकर मिलते हैं शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब के दो तरफ जाके ये अर्जुल बलत जो मिलते है मिलते हैं अब ये हो गए पूरे अब एक्स्ट्रा मालूम में हमारे पास सवाल एक्स्ट्रा है कि भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए और दरसी किताब का सिफा नंबर बारह पर आइए गौर करें जो कि चौकोन में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए तो यहां पे जो सवाल दिया है उसके जवाब के साथ हम आपको दे रहे हैं ये दर्सी किताब का सिफा नंबर बारह पर दिया हुआ है तो पहला सवाल है इसमें भारत से कौन से अहम बल्दी खतूत गुजरते हैं तो जवाब है भारत से अहम अर्जुल बलद खते सरतान गुजरता है और दूसरा है यहाँ पे अब देखिए इस ग्लोब में हम देखेंगे तो ये खते सरतान है जो हमारे भारत से गुजरता है देखिए भारत का ये नक्शा है देख रहे हैं बच्चों आप ये वाला और यहां से ये खते सरतान गुजर रहा है ये वाला तो इसीलिए ये पूछा गया सवाल तो मैं यहां नक्शे पे आपको बता रही हूँ तो यहाँ पर खत्ते सरतान गुजरता है तो दूसरा सवाल है भारत के किस खत्ते में सूरज की उमूदी शुआए कभी नहीं पड़ती तो जवाब है भारत के खत्ते सरतान की शुमाली जानब की इलाकों में सूरज की उमूदी शुआए कभी नहीं पड़ती तीसरा है भारत के किस इलाके में सूरज की उमूदी शुआए साल भर दो बार पड़ती है तो जवाब है भारत के खत्ते सरतान के जुनूबी जानब इलाके में सूरज की उमूदी शुआएं साल भर में दो बार पड़ती है चौथा सवाल है कि भारत के किस इलाके में साल भर दर्ज हरारत कम रहता है, तो है जानी के इलाके में साल भर दर्ज हरारत नस्बतान कम रहता है अब यहाँ पे इस दरसी किताब का सवाल है जेल की तस्वीर में अहम दायरवी खतूत यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलत खींच कर उनकी दर्जाती कीमत लिखी और चांद का चांदे का इस्तेमाल कीजिए आपके पास चांदा है तो उसका इस्तेमाल करके ये दर्जा देना है यहाँ पे ये सवाल पूछा गया लेकिन इस तरह से इसे देना है चांद की मदद मतलब से इस तरह से बनाइए और इसके जो दायरवी खतूत है उसकी तस्वीर के साथ अर्जुल बलत और तुलुल बलत को इस तरह से आपको दिखा के बनाना है तो ये यह यहाँ पे मैंने जवाब के साथ आपको दिया है इसे समझिए और आप खुद इसको बनाने की कोशिश करिए अब यहाँ वाव का है दरसी किताब का सवाल की दर्ज जदुल में अहम तुलुल तुलद और अर्जुल बलद और उनके दर्जों की निशानदेही कीजिए तो अहम अर्जुल बलद कौन कौन से हैं तो जनूबी कुतुब नब्बे दर्जे जुनूबी खत अटार्टिक छसठ दर्जे तीस मिनट जनूबी और खत जिद्दी तेविस ते दर्जे तीस मिनट जनूबी खत अस्तवा सिफर दर्जे खत सरतान तेवीस दर्जे तीस मिनट शुमाली अब खत आर्टिक आर्किटिक छसठ दर्जे तीस मिनट शुमाली शुमाली कुतुब जो है वो शुमाली नब्बे दर्जा शुमाली में आता है अहम तुलुल बलद कौन कौन से हैं तो अहम दो तुलुल बलद होते हैं वो है 180 सौ अस्सी दर्जे अहम तुलद आलमी ख़ते तारीख 180 सौ दर्जे और सिफर दर्जे बलद बुनियादी तुलद ग्रीनिश तुलबलद है जो सिफर दर्जे से कहा जा गिना जाता है अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूम है कि आजादाना जवाब वाले सवाल तो यहाँ पे ये पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के नक्शे में देखकर महाराष्ट्र के कोई तीन शहरों के अर्जुल बलद और तुलुल बलद लिखिए तो जवाब है यहाँ पर पहला है कि पूना नब्बे उन्नीस दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और चौहत्तर दर्जे तुलुल तुलद है दूसरा है कोल्हापुर कोल्हापुर के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ सत्रह दर्ज शुमाली अर्जुल बलद और चौहत्तर दर्ज मशरकी तुलद है तीसरा है नागपुर ये इक्कीस दर्ज शुमाली अर्जुल बलद और उनासी दर्ज मशरकी तुलद है और यहाँ दूसरा है सवाल कि आप जमीन पर किस बर्रजम के मुख्तलिफ दरियाओं की वसत मालूम करना पसंद करेंगे तो जवाब है कि मैं जमीन पर बर्रजम एशिया के मुख्तलिफ दरियाओं की वसत मालूम करना पसंद करूंगा या करूंगी अब जुबानी आजमाइश है यहां पर ये एक्स्ट्रा मालूमत में सवाल है सवाल है कि दर्ज झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए पहला है कि भारत से कौन सा अहम बल्दी खत गुजरता है तो और दूसरा है जमीन का महोर कितने दर्जे पर झुका हुआ है ये दोनों अभी हमने पढ़ के देखा है पीछे से अब इसी सबक में ये जवाब आपको मिल जाएंगे जो आपको जुबानी देना है जुबानी काम और भी है आपके लिए तश्कीली कदर पैमाई में कि दुनिया के नक्शे का मुशाह कीजिए और दर्ज झेल अमूर पर अपने दोस्तों सहेलियों से बातचीत कीजिए यानी ग्रुप में आपको डिस्कशन करना है बातचीत के लिए दरसी किताब का सिफर नंबर ग्यारह पर दी गई मालूम से मदद मिल जाएगी पहला सवाल है कि बर आजम ऑस्ट्रेलिया की वसत कितनी है दूसरा है दरियाए नील की वसत तीसरा है यानी एलेक्जेंडरिया शहर का महले वकू ये सब आपको ओरली जवाब में मालूम करके देना है यहाँ अमली मुजाहरा है ये एक्स्ट्रा मालूम मैं बच्चों में दे रही हूँ इसका पहला है कि दरसी किताब के सिफा दस पर शक्ल दो अशारिया दो यहाँ पर देखिए ये दो दो की शक्ल दी हुई है में कुछ बल्दी खतूत की कीमतें दर्जे दिए हुए हैं बाकी अर्जुल बलदों और तुलुल बलदों की कीमतें नक्शे में लिखी दूसरा है दिए हुए नक्शे में सिफर दर्जे बुनियादी तुलुल बलद और सिफर दर्जे बुनियादी अर्जुल बलद बलदा जहाँ एक दूसरे को किता करते हैं इस मुकाम को मुकाम के गिरद ये निशान बनाइए यहाँ पे देख रहे हैं। ये निशान आपको बनाना है तीसरा है आइए गौर करें दरसी किताब का सिफा नंबर बारह भारत के नक्शे का खाका लीजिए और नक्शे के खाके में भारत से गुजरने वाला खतेह सरतान दिखाइए अभी मैंने आपको पीछे ही दिखाया मैं इस नक्शे में भी दिखा सकती हूँ फतेह सरतान देखिए ये वाला है ये ठीक है अब फतेह सरतान की शुमाली जानीब के इलाके को नीले रंग और जुनूबी जानीब के इलाके को खत को जर्द रंग का आपको रंगना है तो यहाँ पे खते सरतान के जो ऊपरी हिस्से को आपको नीला रंग देना है और निचले यानी कि जुनूबी साइड आपको क्या करना है जर्द रंग को कलर करना है अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए यहाँ पर सवाल पहला है कि जमीन के अहम बल्दी खतूत की मालूम फराम करने वाला तस्वीर जदुल तैयार करिए ये आपको अपने ओन से करना है और सरगर्मी दूसरी भी है कि उस्ताद की रहनुमाई में आपके स्कूल का अर्जुल बलद बल्दी और तुलुल बलदी महले वक़्ु मालूम कीजिए और उसे नोटिस बोर्ड पर लिखिए महले वक् जो होता है वो आपका जो ये लोकेशन होता है ना कहाँ पे कहाँ पे आपका स्कूल है उसका लोकेशन भी आपको बताना है अर्जुन बलद और तुलुल बल्द के साथ आपको महले वक् यानी अपने स्कूल का जो है लोकेशन भी बताना है और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है तो यहाँ पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए मैं उम्मीद करती हूं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक बच्चों जरूर दीजिए इससे मुझे बहुत ही हौसला मिलता है मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे सवाल जवाब देख रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों ताकि उन्हें ऑनलाइन काम से आसानी से घर बैठे सारे सवाल जवाब सारे सारे छोटे बड़े सब हर तरफ से मैंने दिया हुआ है मैंने एक्स्ट्रा मालूम के साथ आपको हल कराया है तो आपको कोई भी दर्सी किताब या आपको कोई भी डाइजेस्ट लेने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए बच्चों इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर